गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स द फॉलोइंग. टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन ऑफ इंग्लिश रीडर इन इंग्लिश रीडर ऑफ चैप्टर 6, अ विजिट टू द मार्केट. सो फर्स्टली आई विल टीच यू मैथ्स द फॉलोइंग. ठीक है, आपको इसमें करना है क्या, देखो यहाँ पे कॉलम दो दे रखे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें दे रखा है, माई फादर रिंग्स बेल इन अ स्कूल, ही इज़ अ, यहाँ पे आपको कॉलम बी में दे रखा है प्यून, जो घंटी बजाते हैं स्कूल में उनको क्या कहते हैं, प्यून. इसमें लिखा है माई फादर रिंग्स बेल इन, मेरे पापा स्कूल में घंटी बजाते हैं, तो क्या होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सेकेंड है माई फ्रेंड ड्राइव अ बस, ही इज़ अ ड्राइवर, कोई फ्रेंड है आपका अगर वो बस चलाता है तो वो क्या होगा, ड्राइवर. थर्ड है इसमें माई फ्रेंड्स फादर सेल फ्रूट्स, ही इज़ आ, मेरा फ्रेंड है वो जो उसके पापा हैं वो फ्रूट बेचते हैं, तो क्या हुए, फ्रूट सेलर. उसके बाद दे वर्क इन एन ऑफिस, ही इज़ अ क्लर्क, वो ऑफिस में काम करता है, तो क्या हुआ, क्लर्क. सेकेंड है टिक द करेक्ट आंसर पार्ट सी, टिक द करेक्ट आंसर, इसमें क्या करना है, जो सही है उसमें आपको टिक करना है. फर्स्ट इसमें दिया मिसेज राज एंड मिसेज सीमा आर गोइंग टू द, कहाँ जा रही थी दोनों मिसेज राज एंड मिसेज सीमा, स्कूल की मार्केट, वो लोग कहाँ जा रहे थे, मार्केट. उसके बाद है द शॉपकीपर्स आर बिजी, दुकानदार किस में बिजी थे, वॉचिंग मूवी या सेलिंग थिंग्स, टीवी देखने पिक्चर देखने में, मूवी देखने में, या चीज़ों को बेचने में, तो चीज़ों को बेचने में, तो मीन सेलिंग थिंग्स. उसके बाद पार्ट डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, सुटेबल वर्ड से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट दे हैव बास्केट्स इन देयर हैंड्स, तो क्या आएगा, इन डैश हैंड्स, तो हेयर हैड देयर में से एक आएगा तो देयर. ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर अ डैश, रिक्शा या बस, किसके लिए वेट कर रही थी वो, रिक्शा के लिए, तो यहाँ आएगा रिक्शा. थर्ड है मिसेस सीमा वाय किचन सेट फॉर हर डैश सिस्टर या डॉटर, जो मिसेस सीमा ने किचन सेट खरीदा था वो किसके लिए खरीदा था, अपनी लड़की के लिए कि अपनी अपने बहन के लिए, तो लड़की के लिए, तो मीन्स डॉटर. फोर्थ है मिसेस राज बाय बुक फॉर हर डैश सन या हस्बैंड, सन. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. ठीक है, फर्स्ट डैश इज टॉकिंग, डैश इज टेकिंग अ बलून, फर्स्ट आएगा रजत. सेकेंड में अ मैन इज सेलिंग कलरफुल डैश टू अ बॉय, तो बलून्स. थर्ड मिसेस सीमा बाय किचन सेट फॉर हर डैश डॉटर, उसके बाद दे हैव डैश इन देयर हैंड्स, इन देयर हैंड्स, तो बास्केट. मिसेस राज एंड मिसेस सीमा वेट फॉर अ, किसके लिए, रिक्शा के लिए. तो आपको पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई, चैप्टर 6 अ विजिट टू द मार्केट, ये आपको अपनी इंग्लिश रीडर की नोटबुक में करना है. आज मैं हिंदी में आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 7, बोलती गुफा. खतरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, सियार ने भी यही किया इसलिए उसकी जान बच गई. आओ पढ़े सियार ने कैसी चालाकी दिखाई, देखते हैं कि कैसे सियार ने अपने आप को बचाया शेर से. किसी जंगल में एक शेर रहता था, वो बूढ़ा हो गया था. एक जंगल था उसमें शेर रहता था, पर वो क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था. बूढ़ा होने के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो क्या नहीं कर पाता था, शिकार नहीं कर पाता था. उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, बूढ़ा था, कहीं जा तो सकता नहीं था, इसलिए उसे कई कई दिनों तक क्या रहना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था. एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक गुफा दिखाई दी, एक दिन वो जंगल में ऐसे घूम रहा था तो उसने एक गुफा देखी. उसने सोचा अगर गुफा में रहने वाला जानवर आया तो मैं उसे खा जाऊंगा. उसने सोचा कि इस गुफा में जो भी रहता होगा वो तो इसमें आएगा ही, और वो जब आएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा. उस गुफा में एक गीदड़ रहता था. शाम को वो अपनी गुफा की ओर लौट रहा था. उसने रास्ते में शेर के पैरों के निशान देखे. उस गुफा में रहता कौन था, गीदड़ रहता था. ठीक है, और शाम को जब वो अपनी गुफा की ओर लौट रहा था तो उसने देखा कि शेर के पंजों के निशान रास्ते पे बने हुए हैं. उसे संदेह हुआ, ध्यान से देखने पर उसे थोड़ा सा शक हुआ, ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि गुफा में शेर के घुसने के निशान हैं. उसने जब ध्यान से देखा, अपनी बुद्धि लगाई, तो उसने देखा कि सिर्फ निशान गुफा के अंदर जाते हुए के हैं.
लेकिन गुफा से निकलने के निशान नहीं है। वह समझ गया कि गुफा में शेर छिप कर बैठा है, पर उसे पूरी तरह यकीन नहीं था। लेकिन वो समझ गया कि शेर गुफा में बैठा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा उसको डाउट हो रहा था, उसे शक हो रहा था कि क्या पता ये शेर है भी कि नहीं है। तो अपना संदेह दूर करने के लिए उसने जोर से कहा, गुफा मेरी गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने अपना संदेह दूर करने के लिए जोर से कहा कि गुफा मेरी गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो कुछ देर ठहर कर उसने फिर से आवाज़ दी, अरे गुफा, तुम मुझे रोज़ जवाब देती हो, आज तुम चुप क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब दो। ये यहाँ पे इसने सियार ने अपना दिमाग लगाया, ठीक है। कुछ देर तक जब कोई जवाब नहीं मिला तो गीदड़ ने कहा, अच्छी बात है, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। यह सुनकर शेर को चिंता हुई। शेर चिंतित हो गया। उसने सोचा कि रोज़ गुफा जवाब देती है, आज मेरे डर से चुप है, इसलिए गुफा के बदले मुझे ही गीदड़ को जवाब देना चाहिए। देखो शेर ने क्या सोचा कि गुफा इसलिए जवाब, उसे लगा कि सच में गुफा जवाब देती है, लेकिन गीदड़ ने सिर्फ चालाकी दिखाई अपनी कि अगर इसके अंदर शेर होगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। शेर ने तब कहा, गुफा में कोई नहीं है, तुम डरो मत, अंदर चले आओ। शेर ने कहा कि गुफा में कोई नहीं है, तुम डरो मत, अंदर चले आओ। शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ का संदेह दूर हो गया। उसने वहाँ से जल्दी से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। जाते जाते उसने कहा, शेर जी मैं जा रहा हूँ, अब आप गुफा में बैठकर आराम कीजिए। देखा उसने अपनी जान बचा ली ना, कैसे अपनी बुद्धि लगाई, कैसे चालाकी से उसने अपनी जान शेर से बचा ली, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आज ये पाठ आपको पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है। मैथ्स में मैं आज आपको पढ़ाऊँगी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हंड्रेड्स, ठीक है। पहले आप यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड में देखें, यहाँ पर नंबर नेम्स में प्लस कर रखा है। 100 + 100 कितना होता है, इसकल टू 200। ये नंबर नेम में प्लस करके कर दिया है, ठीक है। उसी तरह सेकंड में देखो, 200 + 500 तो 700, ठीक है। उसी के जस्ट राइट देखेंगे आप तो यहाँ पे नंबर्स में प्लस डिजिट्स में प्लस कर रखे हैं, डिजिट्स में। तो देखो यहाँ पे 100 + 100, तो देखो अगर यहाँ पे 100 100 दिया है, तो ये नंबर्स में दिया था, हमने यहाँ पे डिजिट्स में लिखे हैं, तो 100 हम डिजिट में कैसे लिखेंगे? 100, 1 में कितने जीरो होते हैं, 2, तो वो लगा दिया। उसके बाद 100 दोबारा, तो 100 ऐसे, फिर इन दोनों को प्लस किया, तो 1 1 कितना होता है, 2 2 लिखा। उसके बाद जो जितनी 100 में जीरो रहती हैं वो लिख दिया हमने, 2 होती हैं, तो 2, तो ये हो गया 200, ठीक है। फिर 200 + 500 दे रखा है, उसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700। इसमें मुझे सबको 100 को प्लस करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, वैसे तो मैंने सारे फिल कर रखे हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग से करना है, इसी तरह करना है जो ये नंबर्स वाले ने, नंबर्स में ही सिर्फ कर देना है सिंपल। 200 + 100 = 300 इधर डिजिट्स में दे रखे हैं, तो आपको उन्हें प्लस करके देखना है। यही आपका मैथ्स का होमवर्क है।